बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका उसका आशिम, वेलकम टू द शो। आज बड़ी अजीब सी बात हुई जनाब, सर आलम साहब पेमरा के वो फरमाते कहने लगे यार हुकूमत या तो हमें प्रोटेक्शन दे या फिर पेमरा को बंद कर दे। मेरे ख्याल में पेमरा जो है वो इस वक्त बोर्ड के ऊपर नोटिफिकेशन तो नोटिफिकेशन दर नोटिफिकेशन, और उसके बाद वो जाहिर है सुप्रीम सिंध हाई कोर्ट से वो नलीफाई हो जाते हैं, पेमरा की औकात दो पैसे की नहीं रह जाती। लेकिन बात यह जनाब कि असल में मसला इन दोनों का नहीं है, ना ही पेमरा का कोई प्रॉब्लम है ना ही बोल का कोई प्रॉब्लम है, सच प्रॉब्लम है इन दोनों के बैकबोन फाइनेंशियर्स का। क्या एक तरफ एक मीडिया, तमाम मीडिया जिसका बैकबोन फाइनेंसिंग कहीं से चल रही है, और एक बैकबोन मीडिया जिसकी फाइनेंसिंग इंडिविजुअली किसी और जगह से चल रही है। और कुछ लोग समझ रहे थे कि बोल के जो फाइनेंशियर्स हैं, जो बैकबोन है बोल की, वो टूट चुकी है, लेकिन अपेरेंटली वो अभी तक टूटी नहीं है। और उसमें इंडियन मीडिया का एक बड़ा गहरा रोल है इस बात को पोर्ट्रे करने में। और यकीनन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आपस में तनाज़ों के तहत, ये प्रॉक्सी वॉर चल रही है इन लोगों के आपस में, इन चैनल्स को भिड़वा दिया गया, आपस में प्रॉक्सी वॉर चल रही है, रेटिंग का चक्कर चल रहा है और मामला चल रहे हैं, किसी को ब्लास्फेमी का अक्यूज कर दिया जाता है, किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगते हैं। लेकिन बात यह है जनाब कि इस वक्त जो कुछ भी हो, मीडिया पोलराइजेशन अपने उरूज पर है, विच इज नॉट अ हेल्दी पोर्शन फॉर एनी नेशन व्हाटसोएवर। हम इतने ज्यादा पोलराइज हो जाएंगे तो हमारा मीडिया लोगों की तबाही कर देगा। अफगानिस्तान बताता है, कहने लगे साहब हमारे से दो सिपाही मरे हैं, और जबकि हमारी आर्मी क्लेम करती है कि 50 आदमी मारे हैं। ईरान कहता है, कहने लगे साहब कि हमारे पास से जो है लोग, वो हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे पाकिस्तान में। तमाशा दर तमाशा दर तमाशा। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह ने कहा।